discuss about cell parameters, and based on the cell parameter and axial angles, we will discuss about the piston systems. So, cell parameters को हम कैसे decide करते हैं? इसके लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? एक normal या फिर tube system है, वो आपको बांध लेना है, तो बंदे से भी करते हैं, ठीक है? और ये जो corners हैं, उसको थोड़ा बाहर कर लेना, ठीक है? तो ये हमारा tube system बन गया है। इस tube system के अंदर हम ये जो एंगल ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस का नाम दे रहे हैं एक्स एक्सिस। और ये जो एक्सिस है जो हमारी ये कौन सी है, जेड एक्सिस। और ये जो एक्सिस है आपकी ये कौन सी है, वाई, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास ये अपनी मर्जी से आपने बनाया कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये क्या है हमारा जेड, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस, इसको आपने ए मान लिया, इसी को हम क्या बोलते हैं सेल पैरामीटर, ठीक है। यानी जो आपकी लेंथ है वो हमारा क्या है ए, और जो हमारी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको आपने मान लिया बी, बी कंसिडर किया आपने इसको, और यहाँ से यहाँ तक जो आपकी हाइट वो क्या होगा आपका सी, उसको आपने सी कंसिडर किया, ठीक है। तो ये हमारा ए मतलब लेंथ होगा, बी हमारा विड्थ होगा, और सी क्या होगा हमारा हाइट, ठीक है। जब हम इसको ओपन में थोड़ा सा ऐसे करते हैं, तो जब ऊपर हम इसको थोड़ा सा ऐसा करते हैं, तो हमारे पास ये था एक्स एक्सिस, और ये क्या है वाई एक्सिस, ये क्या हमारा जेड, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने अभी कंसीडर किया कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हमारा ए, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है वो ये हमारी बी, और यहाँ से यहाँ तक की जो आपकी डिस्टेंस है वो आपका क्लियर। सो यहाँ पे हमें एंगल्स भी फाइंड करना है, तो आपको एंगल्स निकालने का जो सिंपल सा तरीका है वो याद रखना है। ये जो हमारी लेंथ है यानी जिसको आप ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके सामने वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा, हाँ वो क्या होगा आपका एल्फ, ठीक है। जिसको आप सिंपली नॉर्मली आप अल्फा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। यानी जो हमारा ये वाली लेंथ है, इसके सामने वाला जो एंगल है वो क्या होगा अल्फा, और जो हमारा वाई और एक्स एक्सिस के बीच में। वैसे ही सेम हमारे लिए बी पॉइंट है जिसको आप विड्थ बोलते हैं, विड्थ का जो सामने वाला एंगल होगा वो क्या होगा बीटा, और अदर जो हमारा सी का सामने वाला एंगल होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो जैसे मैं अभी आपको बताया था, ये आपका अल्फा है, ये आपका बीटा है, और ये आपका गामा, ठीक है। तो बेस रूल द अल्फा बीटा एंड गामा ए बी सी। सो वी हैव सेवन क्रिस्टल सिस्टम्स हियर। फर्स्ट वन इज क्यूबिक। फॉर द क्यूबिक एक्सियल डिस्टेंस इज ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, एंड एक्सियल एंगल इक्वल टू अल्फा बीटा एंड गामा इक्वल टू 90 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल एन ई सी एल जेड एन एस एम सी यू एंड पॉसिबल वेरिएशन लाइक प्रिमिटिव बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। सेवन क्रिस्टल सिस्टम इज देयर, यू कैन सी हेयर, बट आई हैव ट्रिक्स फॉर द क्रिस्टल सिस्टम। तो सबसे पहले जो आपकी क्रिस्टल सिस्टम है, ये आपको याद करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे पास एक ट्रिक है जो मैं आपको बताऊँगा। सिंपल आपको क्या करना है, जो आपके पास ये सेवन है इसको ऐसे लिख लेना सी टी ओ आर एच एम ओ, ठीक है। इसको ऐसे लिख लेना सी टी ओ आर एच एम ओ। सबसे पहले आपको नॉर्मली ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, 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 ठीक है। यहाँ पे ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा आपका, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ठीक है। यदि मैं ऐसे लिख रहा हूँ आपको ताकि आपको ट्रिक ईजिली याद हो जाए, एल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, एल्फा इक्वल
ठीक है। सो स्टूडेंट्स सेम पहले हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, तो नॉर्मली आपने ऐसे लिख लिया। तो उससे पहले आपको बताता हूँ स्ट्रिक के अंदर आपको याद रखना है सी का मीनिंग क्या होगा। क्यूबिक सी का मतलब टेट्रागोनल, ओ का मतलब ऑक्टागोनल, आर का मतलब रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल इसको बोलता है, एच का मतलब हेक्सागोनल, एम का मतलब मोनोक्लिनी और टी का मतलब ट्राइक्लिनी। ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है स्टूडेंट, ये जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा इस फर्स्ट पॉइंट को आपको एच टी याद करना है। ठीक है। यानी इसके लिए ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा, एल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू कितना होगा 92। ठीक है। लेकिन आपका जो टेट्रागोनल है उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल याद रखना है ए कट आपको यहाँ ब्लैक लगा देना है, उसके बाद एच डी टी आपको याद करना है। ठीक है। ए कट लगाया आपने, उसके बाद एच डी टी आपने याद कर लेना है। उसके बाद जो ओर्थो रोम्बिक है इसमें आपको ए कट आपने लगा दिया तो स्टार्टिंग में था और दूसरा कट आपने लगा दिया। ठीक है। सिंपल आपको ये याद हो रहा है, देखो आपने पहले नॉर्मल लिया, उसके बाद आपने एक कट लगाया, उसके बाद आपने दो कट लगाया, इस तरीके से आपको ये तीन अच्छी तरीके से याद हो चुके होंगे। अब आपके पास जो फोर्थ है, फोर्थ है हमारे पास रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल। ठीक है। इसके लिए आपको क्या याद रखना है कि जो आपने फर्स्ट वन लिया था वही आपका फोर्थ वन हो जाएगा, बस इसके अंदर क्या होगा कट आपका यहाँ पर लगेगा, यानी गामा कैन नॉट बी इक्वल टू 90। ठीक है। तो ये चार मेरे हिसाब से आपको याद हो गए, हो भी गए होंगे। उसके बाद है हेक्सागोनल, हेक्सागोनल के लिए सेम आपको पैटर्न याद करना है, एक कट लगाना है और अल्फा बीटा गामा की जो वैल्यू है वो थोड़ा सा यहाँ पे याद करना है। अल्फा बीटा आपका क्या होगा 90 डिग्री, क्योंकि अल्फा बीटा आपका 90 डिग्री होगा और गामा स्पेशली क्या होगा 120। ठीक है। लेकिन इसके इसी में जो मोनोक्लिनिक में जब यहाँ पे आपने एक कट लगाया तो वैसे आपको यहाँ पे दो कट लगा देना है, और दो कट लगाने के बाद आपको जो अल्फा और गामा की वैल्यू होगी वो क्या होगी 90 डिग्री, बट बीटा कैन नॉट बी इक्वल टू 90। और ट्राई क्लिनिक में आपको कुछ याद ही नहीं करना है, दो कट आपको यहाँ लगा देना है और सेम दो कट आपको यहाँ पर लगा देना है, सिंपली इसका ये आपका ट्रिक है। तो सिंपली ये कुछ ट्रिक थी मेरे पास जो मैंने आपको बताई है, तो सिंपली इस तरीके से आपको ये ट्रेंड फॉलो कर लेना है, किसी आपको लर्निंग प्रोसीजर में आपको हेल्प करेगा। एंड फाइनली ऑल द बेस्ट।